तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग अपनी स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है और तभी येलो प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स उसके पास आकर उसके चारों ओर घूमने लगती है, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब लीन फैंग सोचने लगता है, मुझे होली प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है, पर इन स्वॉर्ड्स के रहते मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊं। तभी साओबाई बोलती है, यह सभी स्वॉर्ड्स तुम्हें अपना मास्टर चुनना चाहती है, तो यह तुम्हारी बात जरूर सुनेगी, तो इन्हें वापस भेज दो। और अब साओबाई की आवाज सुनते ही वह सभी स्वॉर्ड्स वापस से अपनी जगह पर चली जाती है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लिजिन बोलता है, क्या तुम लोगों ने अभी किसी लड़की की आवाज सुनी? पर सभी लोग ना में जवाब देते हैं। तभी साओबाई बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो। यह सुनते ही लीन फैंग आगे बढ़ने लगता है। वहीं उसके मार्शल सोल की पावर की वजह से अब उसके ऊपर कम प्रेशर पड़ रहा होता है और अब लीन फैंग होली प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, जो देखकर सिनर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी जियान फैंग बोलता है, ब्रदर लीन फैंग सच में एक जीनियस है, पिछले 30 सालों में आज तक कोई भी होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं अब सभी लोग लीन फैंग को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी लिजिन बोलता है, यह सच में एक अच्छी बात है, जल्द ही यहाँ पर 7 सेक्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर ब्रदर लीन फैंग हमारे साइड है, तो हमारा सेक्ट उस कंपटीशन में जरूर जीतेगा। जेंगडाली बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ब्रदर लीन फैंग की पावर की मदद से हमारा सेक्ट नंबर 1 सेक्ट बन सकता है। लिजिन बोलता है, मुझे अब यहाँ पर लीन फैंग की पावर के बारे में पता चल चुका है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करूंगा और लीन फैंग से भी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करूंगा। दूसरी ओर लीन फैंग होली प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। तभी साओबाई बोलती है, लीन फैंग यहीं पर रुककर अपने लिए स्वॉर्ड सोल चुनो। और अब कई सारे होली लेवल स्वॉर्ड्स लीन फैंग के चारों ओर घूमने लगते हैं। तभी लीन फैंग बोलता है, पर सीनियर मुझे यहाँ पर होली लेवल स्वॉर्ड नहीं चाहिए, बल्कि मैं डिवाइन लेवल स्वॉर्ड हासिल करना चाहता हूँ। साओबाई बोलती है, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी स्वॉर्ड मार्शल सोल इस जगह पर 10,000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड सोल को अपने अंदर मर्ज कर सकती है और उन सभी स्वॉर्ड्स की पावर को फ्यूज करके तुम डिवाइन लेवल स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बना सकते हो। और अभी यहाँ पर जो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है उसके हिसाब से तुम्हारे लिए एक होली लेवल स्वॉर्ड ही ठीक रहेगा, जिसकी मदद से तुम अपने अपोनेंट्स का सामना अच्छी तरीके से कर पाओगे। अब यह सुनकर लीन फैंग वहां मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को देखने लगता है, पर वह सभी स्वॉर्ड्स एक से बढ़कर एक होती है और यह देखकर लीन फैंग कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसे इनमें से कौन सी स्वॉर्ड चुननी चाहिए। तभी 2 स्वॉर्ड के अंदर से उनकी स्पिरिट बाहर निकलकर आती है और लीन फैंग से बोलने लगती है कि मास्टर, आप हमें यहाँ पर चुने, हम इन बाकी सभी स्वॉर्ड्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। यह देखकर लीन फैंग हंसने लगता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड स्पिरिट भी इस तरह मुझसे बात कर सकती है। पर वह स्वॉर्ड लगातार लीन फैंग से बोल रहा होता है, मास्टर आप मुझे चुने। तभी लीन फैंग बोलता है, मेरी स्वॉर्ड मार्शल सोल इस जगह पर 10,000 से ज्यादा स्वॉर्ड स्पिरिट को अपने अंदर मर्ज कर सकती है, तो अगर मैंने तुम्हें चुना तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारा यूज कर भी पाऊंगा या नहीं। तभी दूसरा स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, मास्टर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस आप जैसे पावरफुल मास्टर के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं। अब लीन फैंग उन सभी स्वॉर्ड्स में से अपने लिए 4 स्वॉर्ड्स चुन लेता है, जो देखकर वह सभी चारों स्वॉर्ड स्पिरिट काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी एक स्वॉर्ड स्पिरिट लीन फैंग के पास आता हुआ बोलता है, मास्टर आप मुझे भी अपने साथ ले चले, मैं भी इन चारों की ही तरह काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। लीन फैंग बोलता है, यहाँ पर काफी कम मात्रा में होली स्वॉर्ड मौजूद है और अगर मैं तुम सभी को अपने साथ ले जाऊंगा तो अगली बार जब कोई मास्टर तुम्हें लेने के लिए आएगा तो उसे यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड नहीं मिलेगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। अब सभी स्वॉर्ड स्पिरिट बोलने लगते हैं, यह स्वॉर्ड माउंट का गेट हर 7 साल में एक बार खुलता है और इस दुनिया में इतने जीनियस मौजूद नहीं है जो होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच सके। तभी दूसरा स्वॉर्ड बोलता है, मास्टर
हम पिछले हजार सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, पर आज तक कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर पाया है। अब उन तीनों स्वॉर्ड्स की बात सुनकर लीन फेंग उन तीनों को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह वहाँ मौजूद बाकी के सभी स्वॉर्ड्स से बोलता है, तुम सभी स्वॉर्ड्स की रैंक अभी 9 है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी कुछ और दिनों तक यहाँ पर रुककर प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बढ़ाओ और मुझे यकीन है जल्द ही तुम्हें लेने के लिए कोई ना कोई पर्सन यहाँ जरूर आएगा। अब यह सुनते ही एक स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आता हुआ बोलता है, मुझे लगा था कि मेरे हजारों साल का इंतजार आज खत्म हो गया, पर अब मुझे यहाँ और हजारों सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। और यह बोलता हुआ वह वहाँ पर रोने लगता है। तभी साउटियान बाहर निकल कर आता है और बोलता है, स्वॉर्ड तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या, तुम मेरे स्वॉर्ड सोल बन सकते हो और मैं भी इस जगह पर मास्टर की ही तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और अगर तुम यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड सोल बनोगे तो फायदे में रहोगे क्योंकि मैं द ग्रेट ईगल किंग हूँ। यह सुनते ही वह स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, यहाँ पर तुम्हारे पास खुद की बॉडी भी नहीं है, तुम बस एक स्पिरिट ऑर्ब हो और मेरे मास्टर बनना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अब वह साउटियान पर अटैक करके उसे खुद से दूर फेंक देता है। अब उस स्वॉर्ड की पावर को देखकर साउटियान हैरान होता है और बोलने लगता है कि इस स्वॉर्ड के पास तो ड्रैगन ब्लड लाइन है। और अब वह दोबारा से उस स्वॉर्ड के पास आते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट मत करो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता और भले ही मेरे पास अभी कोई बॉडी नहीं है, पर जैसे ही मुझे कोई बॉडी मिल जाएगी तब मैं अपने सेक्ट का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा, हाँ मेरे मास्टर के बाद। यह सुनकर वह स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम्हारे पास कोई भी बॉडी नहीं है, इसका मतलब तुम एक कमजोर पक्षी हो और कुछ भी नहीं। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो इसका मतलब तुम मेरे मास्टर के साथ चल रहे हो क्योंकि मैं और मास्टर एक दूसरे से अलग नहीं है और फाइट के दौरान मास्टर हमेशा मुझे अपने स्वॉर्ड के रूप में यूज करते हैं, तो अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मास्टर बाकी के स्वॉर्ड्स के बजाय ज्यादा यूज तुम्हारा करेंगे, यह बात सोचो। अब यह सुनकर उस स्वॉर्ड स्पिरिट के मन में लालच आ जाता है और वह साउटियान से बोलता है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तभी लीन फेंग उस स्वॉर्ड स्पिरिट के पास आता हुआ बोलता है, साउटियान बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी भले ही यह कमजोर है पर कुछ टाइम के बाद यह काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब यह सुनकर वह स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, मास्टर बस आपके कहने की वजह से मैं इस पक्षी को अपना मास्टर चुन रहा हूँ। यह सुनकर साउटियान खुश हो जाता है और तभी वह स्वॉर्ड साउटियान का स्वॉर्ड सोल बन जाता है। यह देखकर साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पर बाकी के मौजूद स्वॉर्ड्स आपस में बात करने लगते हैं, क्या तुमने देखा, वह स्वॉर्ड एक मामूली से पक्षी का स्वॉर्ड सोल बन गया, यह हमारे लिए बेइज्जती की बात है, आखिर एक होली स्वॉर्ड एक कमजोर पक्षी का स्वॉर्ड सोल कैसे बन सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।